वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने कॉलेज फ्लो को अलग वीडियो में सेपरेट कर दिया है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए देखते हैं कॉलेज फ्लो क्या होता है। जब मैंने आपको वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव बताया था विद डाइल्यूशन और विद कॉन्सेंट्रेशन, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। आप एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको मिल जाता है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक्स्ट्रापोलेट आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल में हो जा रहा है जब हम उसको खींच के एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग पॉर्लेचेस लॉ पढ़ते हैं कि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे पता चलेगा। तो पॉर्लेचेस लॉ के थ्रू पता चलता है। चलिए देखते हैं पॉर्लेचेस लॉ क्या कहता है। तो देखो क्या होता है पॉर्लेचेस लॉ में, जब इनफिनाइट डाइल्यूशन हम कर देते हैं तो हमारा, हम जानते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, अल्फा वहां पे मैक्सिमम हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप बहुत ज्यादा पानी डाल देते हो। तो जो आयन्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि उसके साथ कौन सा आयन प्रेजेंट है। जैसे मान लो अगर हम लोग, चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। एट इनफिनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन towards the molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated, ठीक है? तो वही मैं बता रहा हूँ, suppose करो BaCl2 होता है, तो BaCl2 जब टूटेगा तो Ba plus और 2Cl minus में टूटेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो Ba plus का अपना contribution होगा, Cl minus का अपना contribution होगा at infinite dilution। अपना कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी, उसको इसको Ba+ को Ba+2 को मतलब नहीं होगा Cl से, और Cl को कोई मतलब नहीं होगा Ba+2 से, उनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखो यही फॉर्मूला आता है, लैम्डा डॉट एम इक्वल्स टू v प्लस लैम्डा प्लस प्लस v माइनस लैम्डा माइनस। तो देखो v प्लस यहां पे क्या है, v प्लस यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और B माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब देखो यहाँ पे B प्लस है तुम्हारा 1, एक Ba प्लस 2 है, और Cl माइनस यहाँ पे 2 है, तो B माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है? तो अगर इसके लिए लिखोगे तो B प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा Ba प्लस BaCl2 के लिए, और B माइनस 2 हो जाएगा। अगर आप NaCl ले लो तो वहां पे दोनों 1-1 है। लैम्डा प्लस तुम्हारा Ba प्लस 2 को दिखा रहा है और लैम्डा माइनस तुम्हारा सीएल माइनस को दिखा रहा है। चलिए एक दो एग्जांपल के साथ और अच्छे से क्लियर होगा, तो ये बात यहाँ पे खत्म होती है। तो अब देखो, अब क्या है कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कॉर्लेचेस लॉ पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ये तो क्लियर हो गया होगा ना, बी पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आयन निकल रहा है, नेगेटिव 2, तो यहाँ पे बी माइनस 2 होगा, चार्ज को मत कंसीडर कर लेना। तो कॉर्लेचेस फ्लो का डेफिनेशन यहाँ पे खत्म होता है, एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं हम लोग। चलो इसका चार पांच एप्लीकेशन है वो देख के आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा आपके सामने। तो चलिए पहला एप्लीकेशन इसका देखते हैं कि हम लोग कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन इसका यही है, अगर कॉपी पे पेन लेके बैठे हैं तो नोट करते चलिएगा, फायदा होगा। तो पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा डॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए देखते हैं। सपोज करो एसिटिक एसिड है तुम्हारा, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड मान के चलते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारा, तो वो किस तरीके से, इसका अगर हमें इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप देखिए ये किस तरीके से बन सकता है, ये हमारा ऐसे बन सकता है, अगर हम इसको रिएक्ट करा देते हैं NaCl से तो हमारा होगा CH3OONa का फॉर्मेशन होगा, सोडियम एसिटेट और HCl का फॉर्मेशन होगा। तो तुम इसको इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो, मतलब देखो ये मेरा मेथड है, मुझे नहीं पता, बुक में थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ वो भी बता दूंगा, ये मैं अपने तरीके से करता हूँ, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। बुक में देखो इस तरीके से दिया रहता है कि तुम इसको पहले तोड़ लो इस तरीके से, अभी NaCl को ऐड करो दोनों तरफ से, फिर रीअरेंज करो,
वो बुक का मेथड है, मैं अपना इजी कैलकुलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये एक तरह से हम लोग फॉर्म कर लिए कि इस तरीके से हमारा एफेटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो हमें लैम्डा डॉट एम चाहिए एफेटिक एसिड का, ठीक है, तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, HCl भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, NaCl भी स्ट्रॉन्ग है, ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके या फिर डी बाई अक्कल और सागर थ्योरी लगा के आप इसका लैम्डा एम कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा डॉट एम एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर हमें मान लो HCl का भी पता है और NaCl का माइनस लगाना होगा आपको। देखो अगर तुम्हें इसका तो पता है लैम्डा डॉट एम, इसका भी लैम्डा डॉट एम पता है और इसका भी लैम्डा डॉट एम पता है, तो तुम एफिटिक एसिड का कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये सब तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस तरीके से फॉर्म होता है, आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे सिमिलरली NH4OH का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसी मेथड से। तो वो फ्रेम कर लीजिएगा किस तरीके से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा एप्लीकेशन आता है कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर न्यूमेरिकल में लगता है। तो देखो अगर तुमसे पूछा जाए कि सेकंड एप्लीकेशन इसका होता है कि हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे अल्फा, अल्फा की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा का फार्मूला ये हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा का। तो इसका ये मतलब है कि देखो ये लैम्डा लैम्डा एम है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये हमारा लैम्डा डॉट एम है जो रिप्रेजेंट करता है इनफिनाइट डाइल्यूशन को, जो कि मैं कब से बताते चला आ रहा हूं आप लोगों को। तो देखो अगर इनफिनाइट डाइल्यूशन पे अगर हमें लैम्डा डॉट एम पता चल गया जो पहला एप्लीकेशन है उसके थ्रू, तो हम अल्फा पता कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही चल जाएगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा एम की वैल्यू। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, सो वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। हम जानते हैं कि अल्फा जैसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन बढ़ाते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बता रहा हूँ, जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन बढ़ाते हो अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। एक टाइम आता है जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो का अप्रोच हो बहुत ज्यादा, इनफिनाइट डाइल्यूशन की बता रहा हूँ, तो क्या होता है वहां पे अल्फा मैक्सिमम हो जाता है, अल्फा इक्वल टू वन हो जाता है, तो अल्फा धीरे धीरे बढ़ता है। तो अल्फा की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला के थ्रू। थर्ड एप्लीकेशन इसका आता है कि तुम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फाइंड कर सकते हो। अगर तुम्हें अल्फा पता चल गया तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बताया है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग लेक्चर देखते हुए आइए, बताओ क्या होता है। के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, अल्फा तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम के निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकाल सकते हो। फोर्थ एप्लीकेशन इसका आता है कि हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मैंने आप लोग को बताया था पीएच वाले कंसेप्ट में, इक्विलिब्रियम में सारा पढ़ाया हूँ, चैप्टर एक दूसरे से रिलेट है इसलिए पहले इक्विलिब्रियम खत्म करवाया हूँ। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तुम्हें पता है कि W से रिप्रेजेंट करते हैं या के ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लो, H प्लस OH माइनस, ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है। तो तुम देखो कि हमारा जो फॉर्मूला है लैम्डा डॉट एम का, वो ये हो सकता है लैम्डा डॉट एम इक्वल टू कंडक्टिविटी इन 2000 बाई एम, ठीक है। तो मोलर मोलर जो यहाँ पे मोलारिटी है ध्यान रखना, मोलारिटी है यहाँ पे, मोलारिटी नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वो पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट होता है, ये पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है। तो देखो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, मोलारिटी है। तो अगर आपको लैम्डा डॉट एम पता चल गया इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, कंडक्टिविटी पता है, तो तुम मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोलारिटी जब तुम कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा डॉट एम वाटर का तुम्हें पता है, वाटर का तुम पता कर लेना, पता चल जाएगा उस इक्वेशन के थ्रू जो पहले बताया हूं, और तुम कंडक्टिविटी भी पता कर लोगे वाटर की, वो भी पता चल जाएगी हमें। तो हम मोलारिटी निकाल लेते हैं, मोलारिटी जब निकालते हैं हम एच पॉजिटिव की, तो हमारी 10^-7 आती है, 10^-7 OH- की भी उतनी ही आएगी। तो जब तुम इंटू करते हो दोनों को तो हमें मिलता है 10^1 × 10^-14, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है।
जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन इसका आता है कि हम लोग सॉलिबिलिटी कोई भी स्प्रेंगली सोलिबल सॉल्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम सॉलिबिलिटी पता करते हैं वो भी इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी जब मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम में, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी सॉलिबिलिटी के टर्म्स होते हैं वो कुछ भी नहीं होते, वो कॉन्सेंट्रेशन ही होते हैं। मतलब सॉलिबिलिटी को हम लोग पता लिखते हैं, तो हमें लिखते हैं ना मोल पर लीटर, कितना अमाउंट आप डिजॉल्व कर रहे हो मोल पर लीटर। ठीक है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व कर रहे हो वही सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो जितना भी है हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग सॉल्युबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलरिटी है, यहाँ पे जो मोलरिटी है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी से रिप्रेजेंट कर देंगे, सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी, तो देखो सॉल्युबिलिटी भी तुम फाइंड कर सकते हो कोई भी स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, फॉर एग्जाम्पल AgCl, BaCl2, इस तरीके के सॉल्ट का तुम सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हो थ्रू एप्लीकेशन ऑफ कॉर्लेचर्स लॉ। देखो एक एप्लीकेशन, एक लॉ है जो कि तुम्हारा 5 एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो ये 5th एप्लीकेशन है इसका, सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हो किसी भी स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेके आऊंगा अगले लेक्चर में। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि हम लोग lambda.m फाइंड कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी हेल्प से हम लोग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फाइंड कर सकते हैं, सॉरी हम लोग अल्फा फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो इसको इस तरीके से याद करो, एक पहला एप्लीकेशन ऐसे करके याद कर लेना, lambda.m फाइंड कर सकते हैं, अल्फा फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से, फिर के जो कि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है वो फाइंड कर सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब KW फाइंड कर सकते हैं, या फिर तुम सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हो। ये 5 एप्लीकेशन है, इस तरीके से याद रखना, फिर इसको अपनी थ्योरी थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख लेना, कॉपी में बहुत काम आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।